गया। शिकारीपाड़ा के नवपदस्थापित अंचलाधिकारी कपिल देव ठाकुर अंचल में योगदान करने के बाद ही पूरे सिंघम अवतार में दिख रहे हैं। अपने कार्यालय के कार्यो के इतर अंचलाधिकारी कपिल देव ठाकुर अन्य विभागों जैसे स्वास्थ्य विभाग एवं शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर भी अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। इसी क्रम में आज उन्होंने आवासीय मध्य विद्यालय शिकारीपाड़ा का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने विद्यालय के क्लासरूम, कार्यालय एवं अन्य संरचना को देखा तथा क्लासरूम में बच्चों के साथ बातचीत भी की और उनसे प्रश्न भी किए। हालांकि प्रखंड कार्यालय के बगल में स्थित एक विद्यालय के बच्चे झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम भी नहीं बता पाए। यहां सोचनीय बात है कि जब प्रखंड के आसपास के विद्यालय के बच्चों का यह हाल है तो सुदूर देहाती क्षेत्रों में स्थित बाल विद्यालय के बच्चों का क्या हाल होगा। विद्यालय में राम प्रवेश बैठा, अजय कुमार मंडल, पंकज कुमार सिंह तथा अनिमेश मंडल चार शिक्षक कार्यरत हैं। तथापि बच्चों के ज्ञान का स्तर इतना निम्न होना कहीं न कहीं शिक्षकों की तथा विभागीय पदाधिकारियों की कर्तव्यहीनता को दर्शाता है। हालांकि अंचलाधिकारी शिकारीपाड़ा कपिल देव ठाकुर के इस तरह स्वास्थ्य विभाग एवं शिक्षा विभाग के तहत स्थानों में जाकर औचक निरीक्षण को देखकर यहां की जनता काफी प्रसन्न है और लोगों का कहना है कि यदि सभी पदाधिकारी इस तरह अपने कर्तव्यों के पथ पर सतत रहे तो सरकारी विद्यालय एवं सरकारी अस्पताल का कायाकल्प होने में देर नहीं लगेगी। आवासीय मध्य विद्यालय शिकारीपाड़ा का आज औचक निरीक्षण किया। विद्यालय में जो कमियां थी, क्लास संचालन, छात्रावास और जो पठन पाठन संबंधी जो कमियां दिखाई दी उसको निर्देश दिया गया ठीक करने के लिए। पुनः जो है कि हम 15 दिन या 1 महीने के अंतराल पर फिर आएंगे और जो प्रधानाध्यापक को निर्देश दिए गए हैं उसमें अपेक्षित सुधार की आशा रखते हैं।